देखो बुआ ने यहाँ पे क्या लिखा है। कुछ भी गलो कैसा लगा ऐसे तो एक्सप्रेशन हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। होप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और दिन की शुरुआत बहुत देर पहले हो चुकी है, तो अभी जस्ट मैं नहाई हूँ। नहा के अब मैं करूँगी पूजा, जैसे कि आपको मेरे गेटअप से पता चल गया होगा। तो पहले पूजा कर लेते हैं, फिर तो करेंगे काम दूजा। क्या बात है। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल का जल और मिश्री रख दिया। और ये रे सबसे छोटे वाले और ये उनसे थोड़े से बड़े, आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं। पूजा करना, कृष्ण मुझे धूप दे रहा है। सबको दे दे, सबको दे दे, यहाँ भी सबको दे दे धूप। अले छोटे छोटे बच्चे जो ऐसी चीजें करते हैं कितने क्यूट लगते हैं, इनकी इनोसेंस का यही तो सबसे ज्यादा क्यूट लगती है। खैर मेरी पूजा हो गई है और अब खाएंगे अपने ड्राई फ्रूट्स और अनार। उससे मेरा क्या फायदा। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ अपने अनार और मैंने दिया एक अमरूद काले नमक के साथ। गाइस देखो बुआ ने यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने लिखा है चेरी। और ये यहाँ स्माइली बना दी, स्टार बना दिया, एक और स्टार बना दिया। इसका पता है हम क्या करेंगे, देखो देखो दिखाते हैं। ले चलिए करके दिखा, इधर रख लियो। ठीक है अब शूट करो। और ये मेरे 1 2 3 बोलने से पहले तूने क्यों करा दूसरे इसने फोड़ दिया मेरे 1 2 3 बोलने से पहले, क्योंकि हमारा था कि हम डिप करेंगे इसकी पैन की जो निप थी बैलून में, इसने शुरू करने से पहले ही धड़म। इसके बर्थडे के लटके बड़े अभी तक ये रहे। इसमें बर्थडे में बी और वाई, फर्स्ट और लास्ट का जो दिख रहा है ना लेटर, दोनों की हवा निकली पड़ी है इसकी तरह। स्कूल में मतलब डांस क्लास में क्या हुआ, डांस क्लास में ये हुआ, डांस क्लास में एक तो सर ने चक्कर खिला दिया, ऊपर से पैर वाले स्टेप इतने करा दिए और जैनी मेरे पैर की तो हालत बिगड़ गई। तो तुम्हें घुमाया था चक्री की तरह ही हूँ। हाँ चक्री की तरह घूम गया था सारे बच्चे। देखो यहाँ पे घूम के कैसे घुमाया एक गाने पे ये तो अनारकली नाच रही थी और फिर थोड़ा पीछे होके दिखा, तो ये किसी डांस के लिए प्रिपेयर करा रहे होंगे ना तुम्हारे सर। नहीं डांस के लिए प्रिपेयर नहीं करा रहे, तो डांस क्लास थी। हाँ डांस क्लास थी, तो इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना है डांस करना तो तुझे अच्छा लगता है। हाँ लेकिन अपनी मर्जी का, लेकिन अपनी मर्जी का देसी ठीक है। तो उन्हें बेचारे स्कूल में देसी तो मिला नहीं करने को, यू 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 है यू यू, तो इसलिए ना वो डांस अच्छा नहीं लगा। और मेरा गला हो रखा है एकदम बंद सा, देखना इसे दौड़े पड़ते हैं अपने आप ही लुढ़कती करती रहती है पूरे। अच्छा बेचारी की डिमांड है कि मेरे को पास्ता खाना है, तो मैं उसके लिए पास्ता कम मैक्रोनी बना रही हूँ। तो पहले मैक्रोनी चढ़ाती चेरी मैक्रोनी पास्ता कुछ भी कह लो, मैं इसे चढ़ा दूँगी थोड़ा सा पानी और ऑयल डाल के। तो ये पास्ता मैंने बॉईल होने रख दिया है, इसमें मैंने आधी चम्मच नमक डाला है और बस थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो। इसलिए चाहिए किशू के लिए बन रहा है, तो ज़्यादा स्पाइसी स्पाइसी कुछ नहीं, उन्हें वेजिटेबल्स कुछ नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए। तो बस हाँ ठीक है पहले तो बस नॉर्मल बॉयल और जो भी सॉसेज वगैरह होती है मेयोनीज पास्ता सॉस एंड केचप वगैरह जो भी है
वो अच्छे से मिक्स करके बस इन्हें दे दो। इन्हें ऐसी पसंद है क्योंकि सब्जियाँ खाते ही नहीं है, डालने का फायदा ही नहीं, उन्हें साइड में ही रख देते हैं। क्या सॉक्स उल्टा कर रही हो? क्यों उल्टा पहनते हैं ना? पास्ता की खुशी में इसका दिमाग चल गया। पास्ता खाएगा? चाहे तू खाई ये तो जब से स्कूल से आई है, स्कूल से नहीं कल से बैठी हुई है पास्ता के लिए। तो यहाँ पे भी बॉयल तो हो गया है और ये देख लो उसके पास ही खड़ी है पास्ता के पास, खा के मानेगी। भगोना ही दे दूँ तुझे, बनाने तो दे अभी ठीक से। सबर का फल मीठा होता है। चल तो भी इसमें मैंने सॉस डाल दी है, ये पिज्ज़ा पास्ता सॉस है और ये टमाटो केचप। तो भी इनका रेड सॉस पास्ता बनके तैयार है, बेसिक सा पास्ता जैसे इन दोनों को पसंद है, ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा वेजिटेबल वाला। वेजिटेबल तो खैर है ही नहीं इसमें, बस सिंपल सा। कैसा लगा? ऐसे तो एक्सप्रेशन दिखा। ये ना मोटी वाली मैगी है। बैठो, चेरी भी तो खा रही है। वहाँ पे चेरी अपना एंजॉय कर रही है पास्ता, यहाँ पे मेरा रखा है भाभी का। चेरी कैसा लग रहा है? समझ रहे हो ना? अब हम भी टेस्ट कर लेते हैं। सही है, पर जो सब्जी वाला होता है उसमें ज़्यादा मज़ा है, पर ये लोग खाते ही नहीं, इनके चक्कर में ऐसा बनाना पड़ता है। कोई इतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। चेरी की स्पीड देखो भाई, खाने की घप कर गई लड़की। ओ मैडम बताइए ना, जंक फूड इतना पसंद है, और रोटी होती ना यही प्लेट में तो 2 घंटे लगते खाने में, और यहाँ देखो पास्ता दिखा ना अपनी प्लेट, बहुत बढ़िया, कितनी जल्दी निपटा रही है। मजा आया। और जल लग गया ना तेरे मुंह पे? क्या है ये, इतनी बदतमीजी थी, हट, भयंकर बुरा लग रहा है चेरी। ये लड़की इतनी बेकार है, इसने मुझे देखना इससे डराया है। और ये चीज आपको पूरी वीडियो देखने के लिए ना इंस्टा पे देखना पड़ेगा और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने पड़ेंगे हमारे, कि चेरी ने मेरे ऊपर कैसे प्रैंक किया। और ये सच में जेन्युइन था भाई, पागल ने डरा दिया इसने मुझे। हाय गाइस बोल रहा, हो गाइस कह रहा, हो गाइस। क्या टट्टू भाई, कैसे वर्ड यूज करता है? हेलो गाइस बोलेगी, हो गाइस बोलेगी, हो गाइस क्या है हो गाइस? हो गाइस हाँ मैम कहाँ जाना है? दिल्ली। दिल्ली के 1000 रुपए हैं। अच्छा ठीक है, 2 पैसे। सवारी उतर के जब ही तो दिल्ली पैसे। अरे पानी वाले भैया पानी दे जाओ, पानी यीशु पानी दे दे, पानी दे दो भैया, पानी खत्म है घर पे, पानी दे। और इसको पानी देना देखना।
थूक रहा है ये पानी है। ये कौन सा पानी हुआ किशु? नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए पानी, हमें नहीं चाहिए भाई, हमारी प्यास बुझ गई, बुझ गई हमारी प्यास। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। हेलो गाइस नहीं बोलता, ओ गाइस कहता है, ओ गाइस, ओ गाइस तो बता दो, ये पानी था, थूक था, थूक दे रहा था, मैं बताऊं। गंदा पानी की जगह थूक करा था, थूक थूक। ये क्या कर रहा था तूने अभी? अरे मम्मी देख ना इसका मुंह। नहीं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पानी, हमारी प्यास बुझ गई। नहीं 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 मम्मी सच में थूक रहा है, हटा हो जाए, पागल सा। मम्मी किशु की जू देख रही, किशु जू हो गई तेरे, हैं जू हो गई मोदी तो ना, और मेरे सर में आज तक खुजली नहीं लगी मोदी। ये तो झूठ बोल दिया। सच है, बंदर बिठा ले अपने कंधे पे, इतनी सारी जू चुक देगा और जरा सा भी हिलाना जब ही देगा चटाक रैपटा एक। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो भी सारा काम डन हो चुका है, सबका डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, दूध वूध सबने ले लिया है, मेरा ही रखा दूध और गुड़। गुड़ सर्दियों में अच्छा रहता है लेना, हम तो वैसे ही गर्मियों में भी लेते हैं, सर्दियों में भी लेते हैं, और सारी सर्दी आपको मेरा ही टोपा देखने को मिलेगा। क्योंकि ठंड बहुत लगती है तो ये ज़रूरी है। तो गाइज ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे, अपना प्यार दिखाते रहो, मैं भी अपने व्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।